आइए देखते हैं प्रिया कैसेट कंपनी की तरफ से वही बिछड़ी हुई कहानी को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं दूसरे भाग में सीता स्वयंवर के बारे में प्रिया कैसेट कंपनी अलीगंज खैरपुरा की तरफ से। जिस समय भगवान श्री राम ने सीता की सूरत देखी और इधर सीता मैया ने जैसे ही भगवान श्री राम का चेहरा देखा तो एक दूसरे की तरफ देखते रह गए, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहे हैं। इधर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में क्या, कि देखी राम छवि और सिय छवि देखे राम मति भतेती। लिखा गोस्वामी तुलसीदास ने स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस समय भगवान श्री राम ने सीता की तरफ देखा और जब सीता ने भगवान श्री राम की तरफ देखा तो एक तरफ देखते ही रह गए, कोई कुछ कह नहीं रहे हैं। लेकिन वो दशा बन गई कि जिस समय कि उभे पारियति प्रेम भवानी और गूंग स्वाद जिम सके न बानी। वो दशा बन गई भगवान श्री राम की कि जिस समय अगर किसी गूंगा को बढ़िया से बढ़िया मिठाई खिलाओ तो वो उसका स्वाद नहीं बता पाता है। वो दशा बन गई। इधर एक दूसरे चेहरा की तरफ देख रहे हैं, लेकिन माता भवानी के मंदिर में सीता जी चली पूजा करने के लिए और विनती की है माँ भवानी, हे मैया अगर आप आपकी पूजा मैंने सच्चे दिल से की है तो हमारी मनोकामना पूर्ण करो। उसी समय मैया भवानी ने कहा बेटी सीता तू जिसे अपने सच्चे दिल से चाहेगी उसी के साथ ये धनुष टूटेगा। ये वरदान दिया माँ ने और सीता जी जो थी अपनी सखियों के साथ वहां से चली गई। इधर भगवान श्री राम शेषावतार लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के पास पहुंचे और जैसे इधर महाराज जनक को खबर मिली कि भगवान श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में आए हुए हैं तो बड़े प्रेम पूर्वक उन्हें बुलाया। कैसे और करके बिनती जनक राज उन ले गए घरे बुलाई है उन ले गए शंगली बाई है। नव दुल्हन जैसी जनकपुरी अच्छी तरह से
गोस्वामी से महाराज जनक बड़े प्रेम पूर्वक गुरु विश्वामित्र को और भगवान श्री राम से सावतारी लक्ष्मण को साथ में लेकर के गए। बड़े सम्मान के साथ पहुंच गए। जिस समय भगवान श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र चले, तो जिस समय भगवान श्री राम ने रंग भूमि में पहर रखा, तो गोस्वामी तुलसीदास ने बताया है रामायण में क्या, कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी मोहे देखे सकल नर नारी। समय भगवान श्री राम ने रंग भूमि में पैर रखा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहने लगे, रंगे भूमि जब सिया पगुधारी मोहे देखे सकल नर समय भगवान श्री राम ने रंग भूमि में पैर रखा, तो सभी नर नारी मोहित हो गए। लेकिन वही तुलसीदास, शंका की बात है, वही तुलसीदास एक जगह पर यह लिख रहे हैं, भगवान श्री राम जैसे ही रंग भूमि में पहुंचे, सीता जी रंग भूमि में पहुंची, लेकिन वही तुलसीदास जी ये कहते हैं कि मोहे नारे नारे के रूपा और पन्नेगार यही रीति अनुपा। तुलसीदास जी कहते हैं स्त्री कभी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती है, लेकिन वही तुलसीदास कहते रंग भूमि जब सिय पगधारी, मतलब जिस समय भगवान श्री राम ने रंग भूमि में पैर रखा, लेकिन रंग भूमि जब सिय पगुधारी मोहे देखी सकल नर नारी। सीता जी को देख करके सब सखियां मोहित नहीं हुई थी, रंग भूमि भगवान श्री राम को पगुधारी कहते हैं कि जब से नारी अहिल्या तारी और तब से नाम पढ़ो पगुधारी। भगवान श्री राम को देख करके मोहित हुई, सीता जी को देख करके मोहित नहीं हुई। आइए पहुंच गए जहां पर धनुष रखा है, सब राजा महाराजा बैठे हुए हैं। इधर सभी राजा महाराजा प्रयत्न कर रहे हैं धनुष तोड़ने के, लेकिन वो धनुष इतना भारी था किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। इधर गोस्वामी तुलसीदास ने फिर शंका कर दी, ऋषिदेव कि भूप सहस्त्र दश एक बार लगे उठा पन कर नटा
गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में चौपाई में लिखा कि भूप से त्रिदश वो धनुष ऋषिदेव कितना बड़ा था, भूप से त्रिदश एक सहस्त्र 1000 का होता है, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भूप से त्रिदश। मान लो ऋषिदेव वो धनुष कितना बड़ा था जो 10,000 राजा एक साथ में लग गए और फिर भी वो धनुष हिला भी नहीं, या 10,000 राजाओं के 20,000 हाथ तो हुए गए। ऋषिदेव कितना भारी धनुष था जो कि 10,000 राजा लग गए फिर भी वो धनुष हिला भी नहीं। हाँ, लेकिन उस धनुष में एक करामात थी, क्या कि जो जितने राजा लग जाते थे उन सबकी ताकत को खींच करके अपने में बढ़ा लेता था, उतना लंबा हो जाता था, लेकिन किसी के हाथ से वो धनुष नहीं हिला। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि भूप सहस्त्र दस एकई बारा और लगे उठा बन टरे नटारा। 10,000 राजा एक बार में लग गए लेकिन फिर भी वो धनुष किसी के हिलाए से नहीं हिला। अब आइए, महाराज जनक उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे बाहर समाज के लोगों, आज समझ लिया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। और बोले कि अब समझ लिया उन पुरखों की और संतानों में तासीर नहीं, हम खुले तौर से कहते हैं दुनिया में कोई वीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं दुनिया में कोई वीर नहीं, समझ लिया कि इस दुनिया में कोई वीर नहीं है। अगर मैं ये जानता तो पहले ये पल नहीं करता, पहले संकल्प नहीं करता। समाज के लोगों, अरे मुझे क्या मालूम था कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। और क्या बोले महाराज जनक, कि कुंवारी लली रही शरद। महाराज जनक कहने लगे कि समाज के लोगों मुझे नहीं मालूम था, अगर मैं ये जानता तो मैं ये प्रण नहीं करता। और क्या बोले कि कुंवारी लली रही बिरथा पेज धनुष की ठानी, कुंवारी और बोले महाराज जनक, अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं संकल्प नहीं करता। कौ छत्री पे धनुष न टूटो, कौ छत्री पे धनुष न टूटो, सब विद भाग लली को फूटो, सब विद भाग लली को फूटो,
हमरी हसी भई केनो लगे महाराज जनक हमरी हसी भई बिरता बेज धनुष की ठानी स्वारी पेज धनुष की ठानी स्वारी महाराज जनक कहने लगे ए समाज के लोगों अब समझ लिया पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। अगर मैं ये जानता तो पहले ये संकल्प नहीं करते, लेकिन क्या करें, समाज के लोगों अपने अपने घर जाओ। कि तजो आस निज निज घर जाऊ और रचो न विधि बाई दे विवाह। हमारी बेटी सीता के नसीब में शादी नहीं लिखी है, अपने अपने घर के लिए जाओ। किसी के बस की बात नहीं है जो हमारी बेटी के साथ में शादी करे। उसी समय एकदम से लक्ष्मण उठ करके खड़े हो गए। जनक क्या कहा, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है? और बोले लक्ष्मण, क्या बोले, बोले पैतनी महाघात और उन पुरखों की ताशीर नहीं। क्या कहा जनक, फिर से बोलो, दुनिया में कोई वीर नहीं। क्या कहा जनक, फिर से बोलो, दुनिया कोई वीर नहीं। बोले पैतनी महाघात संतानों में ताशीर नहीं। और क्या कहा जनक, फिर से बोलो, दुनिया में कोई दुनिया में कोई वीर नहीं। अरे तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम, अगर गुरुदेव की आज्ञा पा जाए तो कहो सूरज चांद को निगल जाए, अरे यम को खाक में मिला डाले। क्या बात है, क्या बोले कि दुनिया में कोई वीर नहीं। सुनो, यदि आज्ञा जो गुरु की पाए जाऊं, ब्रह्मांड को अब हिलाए डाले, को सूरज चांद को निगल जाए और यम को खाका मिलाए डाले। कहने लगे लक्ष्मण, क्या कहा, इस दुनिया में कोई वीर नहीं। अरे यह धनुष धनुष तो बहुत छोटी बात है, अगर गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाल जाए तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह से उछाल दूंगा। और आज्ञा जो गुरु की पाए जाऊं, ब्रह्मांड को अपहिलाए डाले,
को सूरज चांद को निकल जाए यार यम को फाकन लाई डाले यार यम को फाकन लाई डाले क्या कहा जनक अरे गुरु विश्वामित्र की आज्ञा अगर पा जाए तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह से उछाल दो विश्वामित्र सुन रहे हैं लक्ष्मण की बातें उसी समय विश्वामित्र कहने लगे बैठो लखन खामोश ये काम तुम्हारा है नहीं व्यर्थ बढ़ाते जोश कहने लगे गुरु विश्वामित्र बेटा लक्ष्मण बैठ जाओ धीरज रखो ये काम तुम्हारा नहीं है क्यों खाम खाम में क्रोध कर रहे हो उसी समय विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को आदेश दिया कि बेटा राम जनक के संताप को दूर करो और ये धनुष को तोड़ो उसी समय भगवान श्री राम ने जब इतने वचन सुने और इधर मैया सीता हाथ जोड़ करके खड़ी है कह रही है भवानी से विनती कर रही मैया मैया इस धनुष को इतना हल्का कर दो कि जो हमारे भगवान प्रभु राम के हाथ से टूट जाए विनती कर रही है लेकिन इधर गुरु विश्वामित्र के जब वचन सुने भगवान श्री राम ने तो चले हैं उठ करके बड़े बड़े राजा महाराजा हंसने लगे कहने लगे देखो अब चली चीटी पहाड़ उठावे के लिए हंस रहे हैं राजा महाराजा कह रहे देखो इतने बड़े बड़े महाराजा राजाओं से धनुष नहीं उठा जो कि 10,000 राजा एक बार में लग गए ये छोटा सा बच्चा दुदमुआ धनुष तोड़ेगा हंसी बना रहे नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं लेकिन लगत कार्तिक पर्वा के दिन फिर पता नहीं कब झुका धनुष आपज एक आई कानों में फिर पता नहीं कब झुका धनुष आपज एक आई टूक तो टूट पड़े घर गई घोर धुन भवनों में पता नहीं भगवान श्री राम जैसे ही धनुष की तरफ बढ़े दोनों हाथ जोड़े एकदम से धनुष को उठा लिया और पता नहीं कब झुका धनुष आवाज एकाई कानों में मालूम नहीं पड़ा किस वक्त धनुष टूट गया और यह सीता स्वयंवर की कथा आपके पास पहुंचा रहे हैं हमारे प्रिया कैसेट कंपनी अलीगंज खैरपुरा की तरफ से जिसके प्रोप्राइटर हैं हमारे अनुज भैया और हम अपने परम पूजनीय गुरुदेव श्री ब्रजेश कुमार शास्त्री जो नगला कदम के रहने वाले हैं उनकी असीम अनुकंपा से आप लोगों तक ये सीता स्वयंवर का दूसरा भाग पहुंचा रहे हैं तो आ जाइए मेरे नौजवान साथियों और हमारी ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे शारद बेटा जो ग्राम मनुआ नगला के रहने वाले हैं और हमारे चिमटा पर संगति कर रहे हैं हमारे ऋषिदेव चाचा जी जो गोबदी नगला के रहने वाले हैं और हमारे घड़ा पर संगति कर रहे हैं हमारे जयसिंह चाचा और फुराना जी जो नकारा के रहने वाले हैं और हमारे पास में बैठे हमारे परम पूजनीय गुरुदेव श्री ब्रजेश कुमार शास्त्री जो नगला कदम के रहने वाले हैं और रचपाल चाचा जी भी साथ में आए हैं प्रेमचंद भैया जी साथ में आए हैं बड़ा बड़ा सहयोग दिया है लोगों ने
जिस समय धनुष टूट गया तो सीता जी जयमाला को लेकर के आई और सखियों ने कहा, सीता जी भगवान श्री राम की गर्दन में जयमाला डालो, क्या देख रही हो, अब तो धनुष टूट गया, मन की पूरी हो गई। उसी समय सीता जी जब भगवान श्री राम के गर्दन तक नहीं पहुंची तो सखियां कहने लगी, क्या क्या कहने लगी, कि झुकी जइयो लला रघुबीर, बोली है सखियां कि झुकी जइयो लला रघुबीर, लली मेरी बारी है, झुकी जइयो झुकी जइयो लला रघुबीर, लली मेरी बारी है, झुकी जइयो, और बोली है सखियां झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा, झुकी जइयो लला रघुबीर, लली मेरी पारी है। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी पारी, कह रही है भगवान श्री राम से, हमारी सीता जी छोटी है, झुक जाओ तो जयमाला पर जाए। लेकिन लक्ष्मण की नजर पड़ गई, कहने लगे भैया अगर सो पहली बार और भाभी के सामने अगर झुक गए तो सारी जिंदगी झुके ही रहोगे, झुकना नहीं। लक्ष्मण की बात भगवान श्री राम ने सुनी, खड़े हैं, सखियां विनती कर रही हैं लेकिन भगवान श्री राम नहीं झुके। सखियां परेशान हो गई, कहने लगे लक्ष्मण अब तुम ही कोई उपाय करो, हमारे बस से बाहर है। तो उसी समय लक्ष्मण ने कहा, बताओ, हाँ हमसे अगर कहती तो हम अभी तक जयमाला डलवा देते, अब कहाँ है, अब पड़ जाएगी जयमाला। लक्ष्मण कहने लगे भैया ने इतना बड़ा काम कर दिया और हमने इनके चरण स्पर्श भी नहीं कर पाए। उसी समय लक्ष्मण ने झुक करके भगवान श्री राम के पैर स्पर्श करे, तब तक सीता जी को मौका मिल गया और उन्होंने जयमाला डाल दी। और जैसे जयमाला डाल दी तो इधर भगवान श्री राम ने भी जयमाला डाल दी, इधर सब बड़े मगन है। एक दूत भेजा है महाराज जनक ने कि जाओ अयोध्या के लिए जाओ, भगवान श्री राम के पिताजी दशरथ को सूचना दो। उसी समय एक दूत पहुंचा, चला है, इधर अयोध्या में पहुंचा और जैसे ही दशरथ को खबर दी है तो दशरथ बहुत खुश हुए और वहां से बरात लेकर के चले। और बरात लेकर के चले तो 13 को बरात वहां पर पहुंच गई और जब 13 को बरात पहुंच गई उसी समय भगवान श्री राम का विवाह सीता के साथ में हुआ, बल्कि राम का ही नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह हुआ और लक्ष्मण का उर्मिला के साथ में हुआ और भरत का विवाह कीर्ति के साथ में हुआ और शत्रुघ्न का विवाह
सुरत कीर्ति के साथ में हुआ और भरत का विवाह मांडवी के साथ में हुआ। बड़े ही खुश हैं सभी लोग। इधर अब जब विवाह हुआ है तो महाराज जनक ने एक अनुष्ठान रचाया है, भोजन करवाया बरातियों को। और जब भोजन करवाया तो सखियां गाली देने के लिए आई और गाली देने लगी। कैसी गाली दही? सखियां कहने लगी कि तुमसे नित आवत मेहमान, कहने लगी कि तुमसे नित आवत मेहमान और हमारे घर हरे हरे हमारे घर विद्या के धनी तुमसे। कहने लगी सखिया, अरे तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने मेहमान आते हैं, इसमें शंका है। रामायण में हर जगह पर शंका है। सखिया कहने लगी, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने मेहमान हमारे दरवाजे पर रोज आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक दूसरा अर्थ ये है कि तुमसे नित्य आवे मेहमान, हमारे घर ऐसे ही मेहमान आते हैं, तो फिर कहना ही क्या है गुरुदेव जी। और बोली सखिया लेन देन को कुछ ना हम पे हम है खाली हाँ, लेन देन को कुछ ना हम पे हम है खाली हाँ। आज हमारी जा बेटी की लाज तुम्हारे यहाँ, कैसे बातों मुँह पे कछु ना बनी। तुमसे लेते आवत मेहमान हमारे घर हरे हरे हमारे घर विद्या के धनी। बोली सखिया लेन देन को कुछ ना हम पे हम है खाली न देन को कचना हम पे हम है खाली हाँ। आज हमारी जा बेटी की लाज तुम्हारे यहाँ, तसे बातों मुँह पे हरे हरे से बातों मुँह पे कछो ना बनी। तुमसे लेते आवे मेहमान हमारे घर हरे हरे हमारे घर विद्या के धनी। तुमसे कहने लगी सखियां कि तुम्हारे जैसे जन कितने मेहमान आते हैं। तो दूसरी सखी कहने लगी है तुझे अकल नहीं बुलवाए कि एक बोल पाए। दूसरी सखी कहने लगी अगर हम में ना अकल है तो तुम बुलवाए लो, देखे तुम्हारे बोले से बोल जाएंगे। कहने लगी हाँ हम में अकल है, देख हम बुलवा लेंगे। और क्या गाली देती हुई बोली, कहने लगी तूने एक उन्हें बुलवा पाए और देख हम बुलवा लेंगे। तुम न धीरे से होते और न तकदीर से होते,
बा अबदपुरी मैं लड़का पैदा की बा अबदपुरी मैं लड़का पैदा खीर दूसरी सखी गाली देती हुई बोली बहन बाबे का हो तू अयोध्या में तू मालूम है का हो रहा हूं सुन न धीर से होते और न तकदीर से होते बाया बदपुरी मैं लड़का पैदा तीर से होते बाया बदपुरी मैं लड़का पैदा तीर से होते कहने लगी बाबरपुरी में क्या होता तुझे मालूम अरे न वीर से होते न तकदीर से होते और उस अबदपुरी में लड़का पैदा खीर से होते जवाब दी ये बात है हाँ लक्ष्मण को कहाँ चैन कहने लगे भैया भैया मुझ पर भी नहीं रुका जा रहा है भगवान श्री राम कहने लगे लक्ष्मण चुपचाप बैठे रहो कहने लगे भैया देखो ये क्या कह रही है मुझसे भी नहीं रुका जा रहा है भगवान श्री राम कहने लगे तुमसे नहीं रुका जा रहा है तुम भी कह लो मिला बुझा लो दिल के हुके और क्या बोले अरे तुम हमारे अबलपुरी की बात कर रही हो हमारी बात कर रही हो और इस जनकपुरी में क्या होता है तुम्हें नहीं मालूम क्या होता है सुनो न जोर कर होती न शोर कर होती और जा जनकपुरी में लड़की धरती भोर कर होती जा जनकपुरी में लड़की धरती भोर कर होती न चोर कर होती न शोर कर होती जा जनकपुरी में लड़की धरती भोर कर होती जा जनकपुरी में लड़की धरती भोर कर होती जवाब दिया लक्ष्मण कहने लगे इस सबदपुरी में न जोर से होती न शोर करके होती और जब लड़की पैदा होती तो धरती भोर के धरती में से निकलती है जवाब दिया हाय ये तो बड़ी जवाबी है उल्टा जवाब दे दिया उसी समय महाराज जनक ने सबको भोजन करवाया और 39 दिन तक भगवान श्री राम की बरात महाराज जनक के दरवाजे पर रुकी 39 दिन के बाद अपने घर के लिए वापस आए बड़ी धूमधाम से अयोध्या में रहने लगे राज किया इस तरह से सीता का विवाह भगवान श्री राम के साथ में हुआ बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की